वर्ष 1903 में राइट बंधुओं द्वारा हवाई जहाज की खोज से मनुष्य का शताब्दियों पुराना उड़ने का सपना पूरा हो गया, लेकिन हवाई जहाज की भी अपनी एक सीमा थी। यह धरती के वायुमंडल के बाहर नहीं उड़ सकता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने मात्र कुछ ही दशकों में रॉकेट का आविष्कार कर इस समस्या का भी हल निकाल दिया। इस महान खोज ने मनुष्य को न केवल अंतरिक्ष की बल्कि 1969 ईस्वी तक चंद्रमा तक की सैर करवा दी। लेकिन क्या आप जानते हैं रॉकेट का आविष्कार किसने किया और कब? तो हम बता दें, इसे सबसे पहले आज से 93 वर्ष पहले 16 मार्च 1926 को अमेरिकी प्रोफेसर और वैज्ञानिक रॉबर्ट हचिंग्स गोडार्ड द्वारा बनाया गया था। रॉबर्ट गोडार्ड इंजीनियर, प्रोफेसर, भौतिक विज्ञानी और एक अन्वेषक थे, जिन्हें विश्व के पहले तरल ईंधन से चलने वाले रॉकेट को बनाने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने अपने दल के साथ 1926 और 1941 के बीच कुल 34 रॉकेटों को प्रक्षेपित किया था, जो लगभग 2.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक 885 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़े थे। हालांकि दुनिया का उड़ने वाला प्रथम सफल रॉकेट रॉबर्ट गोडार्ड ने ही बनाया था, लेकिन इस तरह के यान की कल्पना सबसे पहले रूसी वैज्ञानिक कॉन्स्टांटिन तसियोल्कोवस्की ने की थी। उन्होंने ने ही सबसे पहली बार यह विचार व्यक्त किया था कि रॉकेट यान ही अंतरिक्ष यात्राओं को संपन्न कर सकता है। तसियोल्कोवस्की बड़े परिश्रमी व्यक्ति थे। बचपन में ही वह बहरे हो गए थे। अपनी मेहनत और लगन पर अध्यापक हो गए। प्रारंभ से ही उनकी अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी थी। आगे चलकर उन्होंने गणित और भौतिकी का गंभीर अध्ययन किया और बताया कि अंतरिक्ष के निर्वात वैक्यूम में केवल रॉकेट से ही यात्रा संभव है। उन्होंने रॉकेट संचालन के अपने सिद्धांत 1903 में प्रकाशित कराए। जैसा कि हम जानते हैं, इसी वर्ष दिसंबर में किटी हॉक, उत्तरी कैरोलिना, अमेरिका की निर्जन भूमि में राइट बंधुओं ने अपने हवाई जहाज की उड़ान का सर्वप्रथम प्रदर्शन किया था। तसियोल्कोवस्की ने सैद्धांतिक रूप में अपने विचार लोगों के सामने रखे थे। उन्होंने 1898 में रॉकेट द्वारा ब्रह्मांड के अंतरिक्ष की खोज शीर्षक पुस्तक लिखी थी। इसे उन्होंने साइंटिफिक रिव्यू में छपने के लिए भेजा। उन दिनों इन बातों पर कोई भरोसा नहीं कर सकता था, अतः उसके छपने में अनावश्यक विलंब हुआ। अतः 1903 में, यानी 5 साल की प्रतीक्षा के बाद किताब छपकर सामने आई। उन्होंने कई चरणों वाले रॉकेटों की उपयोगिता पर प्रकाश डाला था और अंतरिक्ष यात्राओं में यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्या संभव उपाय किए जाने चाहिए, इस पर भी अपने विचार व्यक्त किए थे। इसी वजह से तसियोल्कोवस्की को आधुनिक रॉकेट विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। यह अलग बात है कि उन्होंने रॉकेटों के निर्माण और उन्हें अंतरिक्ष में भेजने संबंधी कोई कार्य नहीं किया। उन्होंने रॉकेट विज्ञान की केवल सैद्धांतिक विवेचना ही की थी। फिर भी रॉकेट विज्ञान की नींव का पत्थर रखने वाले मेधावी वैज्ञानिकों के रूप में विज्ञान जगत उन्हें याद करता है। अपनी प्रख्यात पुस्तक के अतिरिक्त उन्होंने रूसी पत्रिकाओं में अंतरिक्ष यात्रा संबंधी कई लेख भी प्रकाशित किए और पृथ्वी से दूर नाम से एक वैज्ञानिक उपन्यास भी लिखा था। 1917 में रूसी क्रांति हुई, तब नई सरकार ने इस औपन्यासिक कृति के लिए उनका सम्मान भी किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।